देखिए प्लीज़ आप आराम से बता सकते हैं मुझे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं नोट कर लूँगी। हमारा हेल्प करो अम्मा, हमारा शादी एक लड़की से होने वाला है। जी। जबकि हमको लड़का अच्छा लगता है, लेकिन पहला हम ऐसा नहीं था, हमको भी लड़की लाइक था। ओ। वो चेन्नई में हमारा एक थिएटर ग्रुप होना, वहाँ मैं लड़की का रोल करता था। ओके। एक दिन वो हमारा हीरो रिहर्सल करते समय का टच हम एंजॉय करने लगा। फिर हमको लड़का लोगों में फीलिंग आने लगा, और हम गे हैं तो लड़की से कैसे शादी करेगा। सी रजनीश, सबसे पहले तो आपकी एक मैं बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ कि आप गे नहीं हैं। वो जो इंसिडेंट हुआ आपके साथ आपकी थिएटर लाइफ में, वही कारण है आपकी इस फीलिंग का जो आपको होती है, और ये टेम्पररी है। मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ आप शादी करिए, एक अच्छा जीवन बिताइए। जिस तरह से आपको पुरुष स्पर्श प्रभावित करता था, अभी आपको ये महिला स्पर्श फुल श्योर आपको आनंदित करेगा। ठीक है, हमने आपका प्रॉब्लम रजिस्टर कर लिया, तो हमने सारे डिटेल्स आपके नोट कर लिए हैं, एंड कोई टेंशन की बात नहीं है। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। ठीक है, थैंक यू मैम। चलो सी यू, बाय। ओके, बहुत अच्छा। इसी तरह काम करते रहो। ओके, ग्रेट। हेलो। हेलो, कैसे हो तुम? अच्छा हूँ, ठीक है, बढ़िया। और एडिटिंग कैसी चल रही है? It's done. अच्छा, good. Sure. जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो, कल शुक्रवार है, उसे अपलोड करना है। ओके, बाय। हेलो। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? अच्छी हूँ। और काम कैसा चल रहा है? इट्स ओवर, टुडेज फिफ्थ डे। What's the reason? किस बात की सजा दे रहे हो तुम मुझे? पूछिए तो, खुद से इश्यू होने लगा है। ऐसा लगता है कि मैं ही डिस्पो हो रही हूँ, और तुम्हें तो कोई नीड ही नहीं है। अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी क्यों किया? You know, you cheated me. मैंने चीट किया तुम्हें? बल्कि तुमने चीट किया है मुझे। And you said that. तुम्हारे लिए तुम्हारी वर्जिनिटी ही सब कुछ है। तुम्हारी वर्जिनिटी सिर्फ तुम्हारे हस्बैंड के लिए है, यही कहा था ना तुमने? तो खून क्यों नहीं निकला? और शादी से पहले कुछ करने भी नहीं देना चाहती थी, यही कहती थी ना तुम? अब कहाँ गई तुम्हारी वर्जिनिटी, तुम्हारे उसूल? बात करती हूँ चीट करने की। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे तुम्हारा ट्रस्ट टूटे, समझे? खून क्यों नहीं निकला मैं क्या जानू? मैंने तुम्हें चीट नहीं किया है।
Will you please clear it to me? You're the first person in my life. I think you need a psychiatrist. जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। तो खून निकलना चाहिए था ना? क्या कहा था तुमने? तुम वर्जिन हो। अब कहाँ गई तुम्हारी वर्जिनिटी? Why you cheated on me? It doesn't matter that I'm virgin or not. What matters is your trust on me, which you just showed right now. याद है साहिल? उस दिन तुमने पॉपकॉर्न खा के रैपर ऐसे फेंक दिया था। आज तुमने वही चीज मेरे साथ की है। बस मैं अब इस रिश्ते में नहीं रह सकती। I can't spend my life with a person who is narrow-minded. अब जो मुझ पे ट्रस्ट ही नहीं करता है, उसके साथ मैं सारी जिंदगी कैसे बिताऊं? So, I'm leaving. हम तो साहिल को छोड़ दिया, पर हम बार बार ये सोचता है कि हमको ब्लीडिंग क्यों नहीं हुआ, जबकि मेरा किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं था। सर, हमें रोज बहुत सारी कॉलें आ रही हैं। लोग बहुत परेशान हैं अपनी समस्याओं को लेकर। हम हफ्ते में एक बार आते हैं तो सबकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं दे पा रहे। तो फिर हम सबको एक एक करके कॉल बैक करके उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे सकते हैं? ये संभव नहीं है कि हम हजारों लोगों से कॉन्टेक्ट कर पाए। मुझे लगता है कि इन सारे लोगों के कॉल्स पे एक एपिसोड बनाए, सारी प्रॉब्लम्स को गैदर करके उस पर एक एपिसोड बनाते हैं। राइट, कैसा लगा आप लोगों को? आप लोगों को क्या लगता है? एक्सीलेंट लगता है ना ऐसा? राइट, ग्रेट, ग्रेट आइडिया। यस सर। मेरी उम्र 23 साल है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरा अंग पतला और टेढ़ा है और इस कारण मैं हीन भावना से ग्रसित हूँ। मुझे कोई दवा बताएं। मैं इलाज करा करा के थक चुका हूँ। ओह गॉड, ये भी बात है। अब इनकी जो समस्या है पूरी तरह से मानसिक समस्या है। ये नीम हकीम और जो सो कॉल्ड झोला छाप डॉक्टर होते हैं, हकीम वगैरह जो होते हैं, उनके पास अगर जाएंगे तो कोई भी समस्या का समाधान मिलने वाला नहीं। अब अंग का आकार और प्रकार यानी शेप्स, हर आदमी के अंग का शेप अलग अलग होता है। तेरा अंग डज मैटर मल्लिका? नहीं, पड़ता है, फर्क पड़ता है। इट डज मैटर। मैं बस मजाक कर रही थी। हम दुर्गापुर से बोल रहे हैं और एक बार हम लोग गए थे सोनागाछी कलकत्ता, तो वहाँ एक सेक्स वर्कर से बिना कॉन्डम के हमने सेक्स किया। उसके बाद से मेरी तबीयत खराब होने लगी, मेरे मुंह में भी छाले आने लगे और बुखार सा रहने लगा। अगर मुझे एड्स हो गया तब तो मैं अपनी जान दे दूंगा। बताइए ना, मैं क्या करूँ? तो आपने असुरक्षित सेक्स किया। अब आप अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाएं और अपना HIV का टेस्ट कराएं। और ऐसा नहीं है कि आपको एड्स हुआ है तो मन में दिमाग में बात लाएं मरने की, क्योंकि कई लोग ऐसी बातें लाते हैं दिमाग में। ऐसी गलती ना करें। HIV जानलेवा नहीं है। पहले आप जाके डॉक्टर को दिखाएं, वो क्या बोलते हैं उसको समझें और कभी भी मरने की गलती ना करें। इसका इलाज हर तरीके से है। आप जैसे कि डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, वो जिंदगी भर दवा लेते हैं और जीते हैं, वैसे ही HIV के पेशेंट्स होते हैं, उसकी भी दवा है। यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं जी, और एक समस्या आपको सुनाना चाहता हूँ। हाँ, सुनाइए। मैं 25 साल का हूँ, मेरी शादी हुए 6 महीने हुए हैं। मैं अपनी पत्नी को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता हूँ। उससे सेक्स करते समय मैं जल्दी एजुकुलेट हो जाता हूँ और वो अनसेटिस्फाइड रह जाती है। इसी कारण हमारे बीच में बहुत अनबन होती है। मैं अपने आप को बहुत कमजोर समझता हूँ। मैं क्या करूँ,
प्लीज हेल्प मी। ओके, ये प्रश्न कई बार पूछा जा रहा है। इन रिगार्ड्स टू द प्रीमैच्योर एजुकेशन, शीघ्र पतन की समस्या सामान्य होती है। इस तरह की यौन समस्या मानसिक होती है, आर्मेंटल। शीघ्र पतन की समस्या का समाधान कीगल एक्सरसाइज से किया जा सकता है।